विजिबल एंड ऑडिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सोमू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई आइडियाज. वी हैव शेड्यूल्ड इट एंड वी हैव कैंसल्ड इट एंड नाउ अगेन वी हैव शेड्यूल्ड इट फाइनली. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोमू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस वेरी नोवल एंड वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ पढ़ेगा इंडिया बढ़े इंडिया. See, my idea of today's discussion is about understanding qualitative research. So probably, my discussion would be little different as I'll not be talking about what qualitative research is and what quantitative research is and how do we need to, you know, conduct this research in a specific way as it has been given in the textbooks or in the research books. So I'll try to raise certain questions on the prevailed practices of qualitative research and quantitative research, and I'll also try to understand to myself and to you also that what are the basic ideas on which we were doing mistakes from centuries, and again we are doing same mistakes, or hum un galtiyon se seekhne ki bajaye un galtiyon ko hum validate karte ja rahe hain. तो मेरी आज की बातचीत में कुछ ऐसा प्रयास रहेगा कि हम जब भी रिसर्च को समझने की कोशिश करते हैं, रिसर्च प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जो भी रिसर्च का पर्सपेक्टिव हमारे पास आज है उसकी एक लेगेसी है, उसकी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री ने हमें रिसर्च को विशेष तरह से समझने की एक अकल दी है या विशेष तरह से समझने की एक पर्टिकुलर थिंकिंग हमें प्रोवाइड की है. और वो जो समझ हमारी ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित हुई रिसर्च को समझने के लिए, हाँ, वो आज हम ये महसूस करते हैं कि वो कंटेम्परेरी इश्यूज़ को मदद करने में या उनको एड्रेस करने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका उसमें नहीं निभा पा रही है. और ऐसा मुझे क्यों लगता है, ये बातचीत मैं पूरे रिसर्च के दौरान करता रहूँगा. मैं शुरू में वो कुछ बातें आपसे साझा कर रहा हूँ जो मैं शायद इस पूरी बातचीत के दौरान एड्रेस करने की कोशिश करूँगा. So, पहली बातचीत ये कि हम कोई भी रिसर्च जो करते हैं वो रिसर्च हम वैसे ही क्यों करते हैं जैसे हम करते हैं. व्हाई डू वी डू द रिसर्च पर्टिकुलरली. सॉरी, मैं एक बात और बोल दूं कि क्योंकि मैं फोन पे ऑनलाइन हूं तो आई वॉन्ट बी एबल टू सी ऑल ऑफ द कमेंट्स, बट आई लीव 5-10 मिनट्स एट द एंड एंड डेफिनेटली विल आई ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज, बट फर्स्ट प्रोबेबली आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई हैव इन माई माइंड टू शेयर बिकॉज द डिस्टेंस इज क्वाइट फार, आई कांट सी ऑल द क्वेरीज. सो हम जिस तरीके का रिसर्च करते हैं हम वो रिसर्च उसी तरह से क्यों करते हैं, क्या हमारे पास कोई विकल्प है, या किताबों ने हमें जो बताया कि ये एक पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम है और पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम की ये विशेषताएं हैं और यदि हमें इसमें काम करना है तो हमें ऐसे ही काम करना है, क्या ये पैराडिग्मेटिक लोकेशन या पैराडाइम्स, या जब हम दो तरह से रिसर्चेस को विभाजित करते हैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं कि हम इनके बाहर नहीं सोच पाते हैं. तो सवाल मेरा दोबारा रिट्रिएट कर दूं, हम जिस तरह की रिसर्च करते हैं हम उस तरह की रिसर्च क्यों करते हैं, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है या नहीं है. दूसरा, मैं इस बात को भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा इस पूरे काम में कि या इस पूरी चर्चा में कि हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना किसी भी रिसर्च के लिए इतना अनिवार्य क्यों है, क्या ऐसा संभव है कि हम कुछ रिसर्च चीज़ ऐसी भी कर सकते हैं जो शायद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बिना की जा सकती हैं. तो इस पूरे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को आधिकारिक और अधिरोपित रूप से रिसर्च का अनिवार्य हिस्सा, जिसे आप चैप्टर 2 बोल देते हैं सामान्य भाषा में, वो इतना अनिवार्य क्यों है, उसके पीछे की अकेडमिक पॉलिटिक्स क्या है जो कि न केवल नेशनल लेवल पर चलती है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चलती है. थोड़ा सा इस पे भी बातचीत करूंगा कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं वो किस तरीके के चैलेंजेस हमारे पूरे डिस्कोर्स को पोज करते हैं, और समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम ये मान लेते हैं कि इनके अभाव में कुछ नहीं हो सकता. जो मैं बार बार अपनी बातचीत में कहूंगा कि विकल्पों की होने की संभावनाओं को यदि हम डिसमिस कर देते हैं तो शायद हम कुछ भी नया पैदा नहीं कर सकते, और हम एग्जिस्टिंग चीजों को ही बार बार रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, या हम एक रिटोरिक तरीके से एक शब्दाडंबर के माध्यम से उस चीज को बार बार स्थापित करने का प्रयास करते रहेंगे. सो दूसरा मेरा प्रयास ये रहेगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स की पोजीशंस इन रिसर्च, पर्टिकुलरली इन सोशल साइंस एंड इवन इन मोर पर्टिकुलर इन एजुकेशन को हम रिविजिट करें, और वो किस तरह का पॉलिटिकल षड्यंत्र है एक तरह का, उसको हम समझने की कोशिश करें. एक बात मैं ये भी करने की कोशिश करूंगा कि हम बहुत जल्दबाजी में कहीं इस तरीके की कोई गलती तो नहीं करते हैं कि हम मेथड्स को बहुत डोमिनेंट मान लेते हैं और जो फील्ड जिसमें हम काम करते हैं उस फील्ड को हम
उसकी नेचर को, उसकी एपिस्टिमोलॉजिकल नेचर को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये बात शायद मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम जानते हैं कि हर एक डिसिप्लिन की अपनी एक एपिस्टिमोलॉजी है, और वो एपिस्टिमोलॉजी हमें ये समझाती है कि इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में नॉलेज कैसे उदित होती है और किस तरह के प्रश्नों को एड्रेस करने का प्रयास करती है और एड्रेस भी करती है। तो हम इस नेचर को ध्यान में रखते हैं जब हम अपनी पेडागोजी को चूज करते हैं या मेथड्स को चूज करते हैं, या हमारे जहन में बस दो चीज़ें हैं कि हमें इंटरव्यू ले लेना है या हमें ऑब्जर्वेशन कर लेनी है। क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, और चार तरीके के पैराडाइम्स होते हैं, पांच तरीके के पैराडाइम्स होते हैं। क्या इनके बियॉन्ड हम कुछ सोच सकते हैं ताकि हम एक रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन डिस्कोर्स कर पाएं? ये बहुत अनिवार्य होगा। अगर हम बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे तो शायद हम उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पूरे पूरे एजुकेशन में होने वाली रिसर्च की प्रैक्टिसेस को रिविजिट करें, और उस रिविजिट के साथ ये भी देखें कि हमने क्या त्रुटि की है और उन त्रुटियों को हम अभी भी किस तरीके से बार बार रिट्रिएट करके आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्यों हम ऐसा करते हैं, ये बातचीत भी धीरे धीरे हम इसमें खुलासा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग होता है जब भी कोई ये बात कहता है कि हमें एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रैक्टिसेस को एनालाइज करना है। तो जब भी हम किसी भी एजुकेशनल रिसर्च की प्रैक्टिसेस को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये उठता है या उठना चाहिए कि रिसर्च की कॉन्टेक्चुअल वैल्यू क्या है, कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो किन संदर्भों में अपने कंट्रीब्यूशन को ऐड करेगा या किस कॉन्टेक्चुअल डिस्कोर्स में चीज़ों को ऐड करेगा। और ये कॉन्टेक्चुअलिटी की जो ज़रूरत है, ये केवल इसलिए नहीं है कि हम समस्याओं को एड्रेस कर पाएंगे, बल्कि ये उससे आगे बढ़कर इसलिए भी है ताकि हम किसी भी डोमेन की एपिस्टेमोलॉजिकल सिचुएशन उस फील्ड की और मेथड की एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्पोजिशन के बीच एक संबंध स्थापित कर पाएं। कई बार हम इन तीनों चीज़ों दोनों चीज़ों के बीच में एक गहरा संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम जिस तरीके के परिणाम या जिस तरीके की एक्सप्लेनेशन रिसर्च के बाद करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं इसको बहुत ही सामान्य शब्दों में कहूँ या बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ज़बरदस्ती या बहुत ही एक किसी विशेष तरीके के सोशलाइजेशन के माध्यम से, जो कि एजुकेशन ने हमारा किया, हम साइंटिफिक पद्धति को ही सामाजिक विज्ञान के डिस्कोर्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ करने लगे हैं। और ये जो यूज़ हम करते हैं ये इस समझ पर भी आधारित है कि हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि साइंटिफिक मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, और इसके परे जो भी मेथड है उन पर आप सवाल उठा सकते हैं कि वो बहुत सब्जेक्टिव हैं या वो बहुत ही पर्सनल बायस पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या नेचर ऑफ सोशल साइंस कैन बी एज ऑब्जेक्टिव एज इट इज इन फिजिकल साइंसेज, एंड इफ इट इज नॉट द केस देन व्हाट मोटिवेट्स अस टू डू दीज काइंड ऑफ रिसर्चेज इन सोशल साइंसेज, वेयर वी ऑल द टाइम से दैट कि भाई हम जर्नलाइजेशन कर देंगे या हम एनालिटिकल जर्नलाइजेशन करते हैं, नए नए शब्द इस हेजमनी ने हमें दिए हैं। लेकिन अल्टीमेटली सबसे अनिवार्य बात यह है कि अनलेस वील सी द नेचर ऑफ द मेथड वी आर यूजिंग, एवरी मेथड ऑफ रिसर्च हैज इट पैराडिग्मेटिक लोकेशन एंड एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांस, सिमिलरली एवरी फील्ड ऑल्सो हैज एपिस्टेमोलॉजी, एंड इफ विल नॉट बी एबल टू मेक लिंकेजेस बिटवीन दीज टू विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द एजुकेशनल डिस्कोर्स। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ को हम ठीक से समझ पा रहे हो, केवल थियोरेटिकली नहीं रह जाए। जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, चाहे आप क्वालिटेटिव करते हैं चाहे आप क्वांटिटेटिव करते हैं, कुछ एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यदि आपने एक प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च किया तब भी आपके वाइवा में एक टीचर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा आपके रिसर्च की वैलिडिटी क्या है या आपके रिसर्च या टूल का रिलायबिलिटी क्या है, वो ये सवाल पूछ लेता है। इस बात से अनभिज्ञ या जानते हुए भी कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जैसी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते और हमें करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एक डोमेन है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का, वो अलग तरह से किसी रिसर्च के मूल्य को समझता है। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करते हैं क्योंकि हम एक कंट्रोल सिस्टम में काम करने की बात करते हैं। हालांकि मैं इस पे आऊंगा कि क्या हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं या वेरिएबल कंट्रोल हो सकते हैं या हम किसी चीज़ को वैलिड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर भी मैं थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा। लेकिन यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें इस तरीके की शब्दावली को का प्रयोग क्वालिटेटिव रिसर्च में की जाने वाले शोधों को एड्रेस करने
करने की ज़रूरत है, बल्कि हमें इस तरह के टर्मिनोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जो उसकी गुणवत्ता को समझाए कि आपका डिस्क्रिप्शन कितना थिक है या आपने कितना प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट इस फील्ड में दिखाया है। इन चीज़ों से हमें ये बात पता चलेगा कि उसका मूल्य क्या है रिसर्च का। फिर मैं रिट्रिएट करता हूँ कि हमें ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा क्वालिटेटिव रिसर्च कितना वैलिड है, क्योंकि वैलिडिटी की जो डेफिनेशन हमें स्टैटिस्टिकल के थ्रू आती है या क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू आती है, वो उस मायने में कभी भी क्वालिटेटिव रिसर्च का हिस्सा नहीं बन सकती है। दो कारण हैं, पहला तो नेचर मैच नहीं करता है और दूसरा हमें इसकी आवश्यकता क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं है। इसीलिए ये भी अनिवार्य है कि हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में समझने के लिए एक विशेष तरीके के लैंग्वेज को इवॉल्व करना पड़ेगा, ताकि वो जो हेजमोनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवर एम्फेसाइज साइंटिफिक मेथड है, जो बहुत सबड्यूस कर देता है ह्यूमन नेचर की फिनोमिनोलॉजी को, ह्यूमन नेचर के एग्जिस्टेंस को, उसको हम बना के रख पाएं। अदरवाइज हम बार बार यही करते रहेंगे और एक विशेष तरीके से, और एक अल्टीमेटली हो ये जाएगा कि सोशल साइंस में होने वाली रिसर्चेज हमेशा आंसरेबल रहेंगी। अच्छा देखो, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में वैलिडिटी ऐसे जांचे जाती है, आप कैसे जांचते हैं, हमें नहीं जांचनी है, या आप रिलायबिलिटी को कैसे देखते हैं, अरे हमें नहीं देखनी है, हमें थिकनेस देखनी है, हमें इसका प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट देखना है। एंड देयर मे बी मेनी मोर टर्म्स लाइक दिस विच विल गिव वर्थ to the education, not only the very categorical representation of validity and reliability. I am not against reliability and validity, but I am saying that how these things has been misunderstood in qualitative research, and qualitative people who's working in qualitative research all the time keep struggling to addressing these queries, which these queries are not relevant. And even in social sciences, we need not to address these queries, because these are not very relevant to the very nature of the social science. Now, in this whole idea, when we understand it, it looks very discomforting, it looks very uncomfortable, but to give it a very very theoretical base, very evidence based rational, I'll share you based my 13-14 year of teaching experience, I have identified certain basic perspectives on which I analyze Indian research education, research system. Okay? So, ये जो चार perspective मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ, ये एक this will explain the journey and a kind of hegemony with the help of four perspectives. Hegemony भी मैंने शब्द use किया है, और मेरी इस बातचीत के बाद शायद आप इसको समझ पाएंगे। और उसके बाद जब मैं ये चार perspective आपसे साझा कर लूँगा, तब मैं ये बात करूँगा कि हम आज जो एक तरीके का discussion करते हैं researches को लेकर, वो कितना अधूरा सा है और कितना खोखला सा है, और क्यों हम बहुत ही ज़्यादा, इतनी दुनिया भर की researches इंडिया में होती हैं और हम आज तक ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा स्कूल में पंखे की पंखड़ियाँ मोड़ के क्यों भाग जाता है। हमें इस पर चर्चा नहीं कर, हम इस पर कोई आधार नहीं जुटा पाते हैं। या क्या हमारे बच्चे भी प्याजे के बच्चों की तरह ईगोसेंट्रिक होते हैं? नहीं, पता नहीं, ये हमने इस पे बहुत डिटेल में काम किया नहीं, और अगर किया तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो इस तरह की और भी बातें हम आगे इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं वो चार पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ साझा करूं, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि मैं आपको एक फैसिलिटेशन दे पाऊं इस चीज को समझने के लिए। राइट, हम इस बात से परिचित हैं कि जब हम सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं, तो भारत के संदर्भ में मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन 1947 के आसपास से लेकर अब तक की मैं थोड़ी सी एक हिस्ट्री ट्रेस कर लूं, बहुत ब्रीफली, वो भी एनालिटिकली, कि हम जब सोशल साइंस के रिसर्च का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि उसने हमारे आइडिया को शेप किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और जब इस आइडिया को शेप किया है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम एक लंबी गुलामी से निकल कर आए हैं। जब हम उस लंबी गुलामी से निकलकर बाहर आए, तो हमें होना ये चाहिए था कि हमें एक इस तरीके के थ्योरेटिकल पोजीशंस को स्टैंड करने के लिए रिसर्चेस करनी चाहिए थी, जो रिसर्चेस नीड बेस्ड हों, और जो रिसर्चेस कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये था, क्योंकि हम उस गुलामी को न केवल जीवन में उतारना चाह रहे थे, बल्कि हम आइडियोलॉजिकल पोजीशंस पे भी उसको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमने कोशिश क्या की, हमने ये किया कि जिस भी तरीके के आइडियाज़ हमारे पास थे उस वक्त, जो कि वेस्टर्न से डोमिनेटिंग थे, उसी को हमने न केवल इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल लाइफ में इनहेरेंट किया, बल्कि सोशल और एकेडमिक लाइफ में भी उनको हमने भर दिया। और उसके भरने से हुआ क्या कि हमारा एक अल्टीमेट गोल तय हो गया, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तय हो गया कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक दैट। और इसीलिए आप पाएंगे कि बहुत ही कॉन्टेक्चुअल रिसर्च हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है, या कॉन्टेक्चुअल रिसर्च से मेरा यहाँ मतलब है कि
हम कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे हों जो एक्चुअली बायस नहीं है या जो एक्चुअली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से बाहर हो रही है, जिसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस तरीके से विकास को समझाता है तो क्या आपके यहाँ भी विकास ऐसे ही होता है? नहीं, नॉट दिस, बट विकास कैसे इवॉल्व होता है ना? इसी तरह से जिस भी तरीके के बदलाव हमने, या इसको ऐसे देख लीजिए, मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझते हैं? क्या ये वेस्ट अधिरोपित नहीं हो गया? या विकास की संकल्पना को हम कैसे समझते हैं? अब हम कितना ही डिस्कोर्स करें इसके ऊपर, लेकिन एक तरह से विकास को हमने टेक्नोक्रेटिक से रिप्लेस कर ही दिया, और जब हम तकनीकी से रिप्लेस कर गए पूरे विकास की संकल्पना को, तो स्मार्ट बोर्ड और ये सब तमाम चीज़ें हमारे स्कूलों का हिस्सा भी बन गए, और इसी को हमने विकास भी मान लिया। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ इसलिए क्योंकि हमने कुछ नीड बेस्ड कॉन्टेक्चुअल रिसर्चेस को कम स्पेस देकर उस वेस्टर्न डिस्कोर्स को ज़्यादा वैल्यू करना शुरू किया जो पहले से ही एग्जिस्ट था, और उसी को पाना हमने अपना एक अल्टीमेट एम जनरेट किया, और उसको हम पाना चाह रहे थे। सो इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग एवरीथिंग इन थियरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट, ओके, एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड वैलिडेटिंग देयर थियोरीज इन आर ओन कॉन्टेक्स्ट। प्रॉब्लम कब हुई? जब हमने उन्हीं की थियोरीज को अपने कॉन्टेक्स्ट में वैलिडेट करना भी शुरू कर दिया। अब इसके कई एग्जाम्पल मैं आगे लूंगा कि हमने कैसे उन्हीं की थ्योरी को अपने कॉन्टेक्स्ट में वैलिडेट किया, राइट? सो ये जो पूरा आइडिया था जहाँ हमने वेस्टर्न परस्पेक्टिव को एक्सेप्ट किया, उसको हमने अडेप्ट करने की कोशिश की, और उसको भारतीय संदर्भों में बलात तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की, इस पर्सपेक्टिव को मैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के नाम से समझता हूँ। एंड वी एक्सेप्टेड वेस्टर्न डिस्कोर्स एंड थियरीज सुप्रीम एंड डिड नॉट बॉदर टू जनरेट आर ओन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स टू एड्रेस द इश्यूज दोज आर मोर कॉन्टेक्चुअल। तो ये सबसे पहले दिक्कत हमारे सामने आई, और जो जिसको मैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ, जहाँ पे हमने वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इन इस पर्सपेक्टिव में ये भी बात बहुत मुखर रूप से लोगों ने लिखी है, ओरिएंटलिस्ट जब आप डिस्कोर्स पढ़ते हैं, कि थर्ड वर्ल्ड नेशन के नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड दे आर दी ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। वो केवल प्रथम दुनिया, जो प्रथम जगत है, उसके उसकी प्रतिछाया मात्र की रोशनी से चलता है। इस तरीके के डिस्कोर्सेज आपको दुनिया भर के देखने को मिलेंगे, राइट? तो पहला, इस तरीके से हमने अपने एजुकेशन में और रिसर्च को भी शुरुआत की। इसके बाद जब हम आगे बढ़े, तो बहुत ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो ये बात कह रहा होगा, भले लोगों ने बहुत बात की इसके बारे में, और एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट किया गया इस बात को समझने के लिए कि ये जो ओवर इम्फोसिस है रिसर्च को लेकर या एक डिस्कोर्स को लेकर, इसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा, और थर्ड वर्ल्ड नेशंस, जिसमें भारत भी एक है, उनका अपना प्रकाश है, और वो अपनी समस्याओं को जूझने या उनका समाधान करने के लिए डिस्कोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। और सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यदि आप इसके बारे में जानते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो बहुत भरसक प्रयास किया गया इन चीजों को चैलेंज करने का। लेकिन इस पूरे आइडिया में भी एक मुख्य त्रुटि हमसे ये हो गई कि हम जब हमने इस पर्सपेक्टिव पे बात की, जिसको मैं अंडर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ, जो कि दूसरा पर्सपेक्टिव है, हमने क्रिटिक तो बहुत किया, और हमने ये भी बहुत कहा कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भाई कोई ज़रूरी नहीं है, और हमारे पास अपनी समझ है, उसको हम विकसित कर सकते हैं, एंड लव लव। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया, ठीक है आप रिप्लेस कर लीजिए, अगर आपको लगता है प्याजे ठीक नहीं, आप पढ़ा लीजिए, आपको क्या पढ़ाना है, तो उस स्थिति में ये इसलिए लैकुना हुआ हमारे पास कि वी वर नॉट एबल टू रिप्लेस दीज थिंग्स, हम उसको बदल नहीं पाए, और इसीलिए हम क्रिटिक तो करते रहे, इसलिए हमारे पास क्रिटिक्स का अंबार इकट्ठा हो गया है, लेकिन उस क्रिटिक से हम लोग जो जनरेट कर सकते थे कॉन्टेक्चुअल नीड के लिए, वो उतना नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम उतना नहीं कर पाए शायद जिसकी ज़रूरत थी, और जो हो पाया वो कभी भी मुख्य एजुकेशन स्ट्रीम का या मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया, और उसको हमने एक तरफ इस तरह से देखना शुरू किया कि भाई यहाँ एग्जिस्ट करता है, एक पैरेलल लाइन है, इसको भी लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य धारा में इस चीज़ को ऐड कराना बहुत मुश्किल हमारे लिए हो गया। और इस क्रिटिसिज्म के साथ, क्योंकि हम बहुत कुछ रिप्लेस करने की स्थिति में नहीं थे, हम इस पूरे आइडिया, जिसको मैं अंडर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ, बहुत आगे नहीं लेके जा पाए। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ उस दौरान, जो हम अंडर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में थ्रेटन किया, इसने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चुनौती उस एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डिस्कोर्स को दी, और वो सारा जो डिस्कोर्स था वो थ्रेटन भी हुआ एकेडमिकली, पर्टिकुलरली आई एम सेइंग, इवन इकोनॉमिकली ऑल्सो, जब न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ तब इसने बहुत चैलेंज किया उसको। अब वेस्टर्न डिस्कोर्स में इससे खलबलाहट रही, और उसने एक नए तरीके की चीज़ों को भी दुनिया में लाना शुरू किया, और जो एकेडमिक्स ने भी यूज़ की, और पूरा कलेश उसकी वजह से हुआ जिसको हम बोल दे रहे हैं
लिबरलिज्म बोल दे रहे हैं या हम इसको ग्लोबलाइजेशन बोल दे रहे हैं, जहां हम ये कहते हैं कि एवरी सोशल कॉन्टेक्ट, एवरी कंट्री इज इंटरडिपेंडेंट, वो सब एक दूसरे पर निर्भर है, और उस पूरे पर्सपेक्टिव को मैं इंटरडिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ। ये बहुत ही आजकल हम इसी में जी रहे हैं, जिसमें बहुत ये आइडिया चलता है कि दुनिया एक परिवार है और हम एक दूसरे पर सकारात्मक तौर पर निर्भर करते हैं और हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, और मेरी समझ या मेरा पढ़ा हुआ मुझे ये नहीं कह रहा है कि हम कुछ भी म्यूचुअली डिस्कस करते हैं, है? बहुत जो भी म्यूचुअली डिस्कस होता है उसमें हमारी भूमिका 2-3-4% की है और बाकी भूमिकाएं हमारी नहीं है, तो भूमिकाएं कहाँ से उदित हो रही हैं? तो जो इंटरडिपेंडेंसी हमें समझाई गई, और बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये आइडिया कि पूरा परिवार, पूरी दुनिया एक समाज है या एक परिवार है, तो फिर ये पूरे डिस्कोर्सेज हैं, बॉर्डर्स हैं, उसके बाद फिर वीजाज हैं, उसके बाद फिर बहुत तरीके की इश्यूज हैं, अगर परिवार है तो ये किस तरीके से है। तो लार्जर लेवल पे यदि हम ह्यूमन स्पीशीज को समझते हैं और उसको हम रिसर्च के साथ रिलेट करना चाहते हैं, तभी हम इस आर्ग्यूमेंट को समझने की स्थिति में होंगे कि इस बात के लिए ये अनिवार्य है इस बात को समझना कि जो डिपेंडेंसी है वो म्यूचुअल नहीं है, डिपेंडेंसी म्यूचुअली डिसाइडेड नहीं है, है ना? और इट इज ले हु डिसाइड या हु इज डिपेंडेंट ऑन हुम इज नॉट म्यूचुअली डिसाइडेड। लेकिन अब जब ये डिस्कोर्स आया, और बहुत लिबरल्स हैं हमारे यहाँ पे भी जिन्होंने इसको बहुत कहा और इसको आज़ादी के साथ और इसको अपनी इंडिपेंडेंस के साथ और बोलने की आज़ादी के साथ तमाम चीज़ों के साथ इसको जोड़ा, लेकिन इसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पूरे सामाजिक सिस्टम को, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को और पूरे एजुकेशन सिस्टम को बुरे तरीके से हिलाया और उसको पूरा शेक कर दिया। और ये शेक इस तरीके से हुआ कि अब हम फिर से उसी रूटीन का हिस्सा बन गए, जिस रूटीन में हम ये समझने लग गए हैं दोबारा से कि अच्छा देखिए, अब आप एक रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया तो एक परिवार है, तो हमें तो एक कॉन्टेक्स्ट जनरेट करना है, तो अब आप रिसर्च में एक अनिवार्य हिस्सा बनाइए जिसको कि आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहेंगे, और आज जो हम रिसर्च करते हैं वो इसी दायरे में करते हैं जिसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। तो ये जो ओवरलोडेड पर्सपेक्टिव हमारे सामने आया इंटरडिपेंडेंस की बात करने के बाद जो हमारे सामने आया, उसने हमें फिर से उस पूरी 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 पुरानी परंपराओं का हिस्सा बना दिया, जिसमें हम दोबारा से वेस्टर्न डिस्कोर्स को ज्यादा वैल्यू करने लगे। अगेन आई एम रीइटरेटिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि एक लोकल लेवल पे काम नहीं हुआ, लेकिन जो भी काम हुआ वो एक मार्जिनलाइज तरीके से बहुत ही दया भाव से कॉमन डिस्कोर्स का हिस्सा बना। और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं ले भी सकता हूँ, 2 साल का बीएड हमने पता नहीं किस शौक में किया पर कर दिया बहुत जल्दी, और उसमें हम देख रहे हैं उसके आउटपुट भी क्या है। वहां पे यदि आप 1 साल के बीएड और 2 साल के बीएड का केवल साइकोलॉजी के कोर्स का ही असेसमेंट कर लें, तो आप पाएंगे कि दोनों कोर्सेज में बहुत ज्यादा दिन रात का अंतर नहीं कर पाए हम लोग। अब तो हम बड़े विकसित हो चुके थे, आजादी को बड़ा समय हो चुका था, नए तरीके से सब करिकुलम लिखा जा रहा था, तो भी मैंने 2002 में बीएड की तो प्याजे पढ़ा, और आज भी मैं प्याजे ही पढ़ रहा हूं, और मैं उसी को कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम कब तक एक सिद्धांत को कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे और ये कहते रहेंगे कि हाँ ये अभी भी रेलेवेंट है, या आपको नहीं लगता कि जरूरत इस बात की है कि हम फील्ड से निकालें कि हमारे बच्चे कैसे बड़े होते हैं और उसको फिर हम समझाएं अपने एजुकेशनल डिस्कोर्स में, जिसके लिए हमारे पास स्कोप नहीं है? तो अल्टीमेटली हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और एक ऐसा विशियस सर्कल क्रिएट हो जाता है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो वेस्ट से हम देखते हैं, आपने जरूर सुना होगा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज कुछ हैं, है ना? और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अगर हम भारत के संदर्भ में रख के देखेंगे तो वो हमारे यहाँ वेस्ट नॉर्थ पड़ता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जिस कोर्स में कि वो वेस्ट नॉर्थ है, आप भी उसको इसी नाम से जानते हैं कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि वेस्ट के लेंस से अगर हम उनको देखते हैं तो वो मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं। तो आप देखिए कि एक शब्द को भी बदलने के लिए कितना हेजोमेनिक प्रोसेस है, और हमारे पास एक ऐसा लेंस है जिससे हम दुनिया भर को देखते हैं लेकिन वो हमारे अनुभवों से ग्रस्त से बना हुआ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इंटरडिपेंडेंस पर्सपेक्टिव में दुनिया ने की, क्योंकि ये जो सबॉल्टर्न पर्सपेक्टिव था और जो हम अंडर डेवलपमेंट के थ्रू वेस्टर्न को चैलेंज देने लगे थे, उसको तोड़ने के लिए, उसको सबोटैज करने के लिए एक नई स्कीम भी दुनिया में देखने को मिली, और वो था इंटरनेट। इंटरनेट पे कुछ समय पहले तक, 1990 से पहले तक, जो वेस्ट पूरी नॉलेज पे अपना हेजमनी मानता था, अपना कंट्रोल मानता था, अपना नियंत्रण मानता था, और ऐसे ऐसे वाक्य भी कहता था कि दुनिया भर की रिसर्चेस जो हैं वो हमारी एक लाइब्रेरी के समान है, एंड थिंग्स लाइक दैट इज अ कॉमन फ्रेजेस यू ऑल नो। उसने सारा ज्ञान इंटरनेट पे डाल दिया और उसने कहा कि फ्री एक्सेस कर लो, और आज हम इतने इतने पंगु हो गए हैं इस बात के लिए कि अपना दिमाग लगाने की बजाय जब भी आपसे कोई काम कहा जाता है फटाक से आप गूगल कर लेते हैं, और गूगल पे हम जो सर्च करते हैं वो हम क्या पढ़ेंगे वो हमारे कंट्रोल से बाहर है।
जो हमें उपलब्ध है हम वो पढ़ते हैं और उसके आधार पर हम चीज़ों को चलते हैं। तो ये एक नए तरीके का कॉलोनियलिज्म कह लीजिए आप, या नए तरीके का आईसीटी कॉलोनियलिज्म कह लीजिए, जिस पे हम लोग धीरे धीरे आदि हो गए हैं और हमने चीज़ों को अलग तरह से मैनिपुलेट करना सीख लिया है। और वेस्ट ने फिर से वो अधिरोपित चीज़ कि आप अपने यहाँ के संदर्भों को ऐसे ही समझिए, क्योंकि लार्जर लेवल पे जो इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं वो वही हैं, कुछ हमारी भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक जाल है और खुल गया है तो कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन वहाँ पे भी वैलिडिटी का मसला बहुत सीवियर है, इसलिए हमें इसके लिए चैलेंज हमें करना पड़ेगा। तो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है कि हम वहाँ पे किन चीज़ों को समझ पाते हैं। अब लोग इस पे टिप्पणी कर सकते हैं कि भाई हम हमारी मर्जी हम क्या पढ़ें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब लोग कहते हैं कि हमारी मर्जी हम क्या पढ़ें, अगर ये इतना आसान होता तो शायद हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ बदलने की स्थिति में होते। अब जो चौथा पर्सपेक्टिव है जिस पे मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग काम करें आज के बाद से, या मैं पिछले 6-7 साल से जब मेरी समझ बनी तो मैं इस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है दैट वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स आर्टिकुलेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन आई एम सेइंग आर्टिकुलेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, आई हैव डेलिबरेटली टेकन दिस टर्म बिकॉज इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि मैं भी उससे छूता नहीं रह पाऊंगा, मार्केट इकोनॉमी काम करती है। तो अनलेस आई यूज टर्म मोड ऑफ प्रोडक्शन, माई आइडिया विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनी वेयर। बट वट आई एम गिविंग अंडर दैट आइडिया इज नॉट द प्रोडक्शन, इट इज समथिंग कंस्ट्रक्टिंग एंड यू नो डेवलपिंग सर्टन न्यू आइडियाज। सो वैन आई एम सेइंग दैट आर्टिकुलेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू ऑर्गनाइज field based researches and particularly with the help of grounded theory research where we collect the data and we bring data from the field and we theorize based on that data instead of reading lot many things before we went to field and then test it in the field. So ye dono tarike bahut different hain. जब हम इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं कि हम बिना किसी एक लार्जर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के फील्ड में जाते हैं, तो हम एक नयापन उस रिसर्च में ला सकते हैं। लोग इस पे बड़े सवाल उठाते कि नहीं जी ऐसे कैसे होता है, तो मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने किया भी है। आप जो एजुकेशन बहुत पढ़ लिए हैं वो एक अध्ययन करिए कि हमारे यहाँ बच्चे कैसे बड़े होते हैं, उनकी क्या चुनौतियाँ हैं, और अब एक ऐसे व्यक्ति से कहिए जिसने एजुकेशन में कुछ नहीं पढ़ा कि हमारे यहाँ बच्चे कैसे बड़े, तो आप देखिए इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्लासिक तरीके के वो एक्सपीरियंसेस आपके शेयर करते हैं। और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो फिर कहीं ना कहीं बंद कर उन्हीं चार दीवारियों की घुटन में वही बातें कहते हैं जो हम बार बार रिट्रिएट करते जा रहे हैं। उसमें एक चीज़ नहीं भी आ जाती है गलती से, बट वो भी आपको थ्योरेटिकली सिचुएट करनी पड़ती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड that the requirement is to situate our research in an articulation of mode of production where either in ethnography, which I see a hope, where we do a prolonged engagement in the field and there is no need to generalize anything in ethnography, which will contribute and it matches with the very nature of social science, which is very phenomenological. Also, I'm trying to say that we can do research on grounded theory, where we need not to go to the research which has already created a heavy theoretical framework and fixed mind of categories, rather we culminate data from the field and then we theorize. मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब हम grounded theory पढ़ते हैं तो उसको भी लोगों ने बहुत complicate कर दिया है, इतनी सारी categories ये वो। I think हमें बहुत prime level से शुरू करना होगा और हमें ऐसी ऐसी researches करनी पड़ेंगी जो फील्ड से डेटा लेके हम सीधे पर्सपेक्टिव पे या थियोरीज पे कुछ छोटा छोटा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उस छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ही हम उसको आगे थोड़ा बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो बिलीव देन। सो द आइडिया इज टू मूव फ्रॉम थियोरिटिकल फ्रेमवर्क या एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क टू डेवलपिंग थियराइजेशन। आई एम यूजिंग दिस फ्रेज अगेन दैट द आइडिया विच आई एम सेइंग इज टू मूव बियॉन्ड एंड मूव अवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग थियोरिटिकल फ्रेमवर्क्स एंड टू जनरेट और डेवलप थियराइजेशंस with reference to a specific context, because we know that in human life context is very very significant. Now क्योंकि हम एक इतना सारा डिस्कोर्स पढ़ने के बाद एक फिक्स माइंडसेट से काम करते हैं, तो आफ्टर दिस वेस्टर्न एकेडमिक सोशलाइजेशन व्हेन वी विजिट फील्ड टू एक्सप्लोर आर कंस्ट्रक्ट वी कैन नॉट कम अप विद अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। हम उन्हीं कैटेगरीज में चीजों को सिचुएट करते हैं। अब इसका बड़ा बड़ा आसान मैं एग्जाम्पल लूंगा, शायद आप इसे समझ पाएंगे। मैं रिविजिटिंग साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ अपने डिपार्टमेंट में अल्टरनेट ईयर में। तो वो जो रिविजिटिंग साइकोलॉजी में हमने इस साल ये प्रयास किया कि हम जाएं फील्ड से और हम ये देख के आए कि विशेष उम्र के बच्चे कैसे बड़े होते हैं। हम ऐसे ही जाएं बिना कुछ चीज़ें अपने साथ लिए हुए,
लेकिन इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे सामने आया कि जब वो डेटा हमने इकट्ठा किया और निकाला तो हम सारी वही बातें कह रहे थे जो हमने पहले पढ़ी हुई थी। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल इसमें ये था कि बच्चों ने ये प्रूव किया कि हाँ हमारे यहाँ के बच्चे भी ईगो सेंट्रिक हैं, जो 2 से 7 साल के बीच के बच्चे हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं, और उनसे जब पूछा गया कि आपने क्यों कहा, तो बड़े इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज थे जो कि शायद पियाजे की थियरी से ओरिजिनेटेड थे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक कंट्री जहाँ पे सोशल लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है, जहाँ का कल्चर इतना डाइवर्स और शेयरिंग का है, वहाँ पर हमारे बच्चे ईगो सेंट्रिक नहीं है। और ये बात हम बार बार थियोरेटिकली कहते हैं, बातचीत में कहते हैं, लेकिन जब हम रिसर्च करने जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको एक थियोरेटिकली रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपनी बात के लिए, तो आप कहीं ना कहीं बाधित हो जा रहे हैं इस बात को बार बार प्रूव करने के लिए कि हमारे बच्चे भी ईगो सेंट्रिक है। तो इसका रिजल्ट क्या यूरोपियन में हो सकता है, क्योंकि यूरोप एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, सब काम करते हैं, बच्चा अकेला है, तो ईगो सेंट्रिसिज्म हो सकता है, इस आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हमारे यहाँ भी यही प्रक्रिया है, गाँव में भी यही प्रक्रिया है, जहाँ पे एक साझा परिवार, मुझे पता है मैं छोटा था जब मुझे पता था कि घर में कुछ भी आता तो वो बटना ही है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो केवल मेरे पर्सपेक्टिव से मैं नहीं समझता हूँ, आप सॉरी देयर वाज अ कॉल, आप ये भी समझिए कि शहरों में भी जब हम ये एक बच्चा है वो 5-6 साल का बच्चा है, उसके घर में अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो उस छोटे बच्चे से ऐसे अपनी समझ में बात नहीं करता है, वो जानता है कि ये छोटा और मेरी बात नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो उसकी तुतलाने वाली भाषा में या ऐसे से करके बात करता है। इसका ये मतलब है कि क्या बच्चों को इस तरीके से ईगो सेंट्रिक स्थापित करना पर्याप्त है भारतीय संदर्भ में, और लेकिन हमने विद गॉड ग्रेस विद प्याजे एंड जो हम उसके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, हमने ग्रेजुअली ये प्रूव कर दिया है कि हमारे बच्चे ईगो सेंट्रिक हैं। और इसी तरह से हमारे बच्चे जब किशोर होते हैं, तो अगर आपने प्याजे नहीं, वाइगोत्स, आपने आपने एरिक्सन्स की थियरी नहीं पढ़ी, तो पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे बच्चे कभी किशोर ही नहीं होंगे, या हमारे अगर जस्टिफिकेशन वहाँ से नहीं निकलते तो लगता है कि हम कुछ अकेडमिक्स में काम ही नहीं कर रहे हैं। So what I'm trying to say that this is very, very and significantly important that we have a critical vision and critical view towards overuse of these theoretical frameworks in research if we really want to contribute something to the discourse of education. Okay? जब हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो ये इस बात को भी चैलेंज कर सकता है कि ये अल्टरनेटिव पैदा होने की संभावनाओं को कम कर दे, विकल्प नहीं आएंगे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दिमाग में कैटेगरीज हैं, तो हमारे और आपके दिमाग में भी जब मैंने कहा होगा बच्चा कैसे बड़े होते हैं, तो आई एम श्योर प्याजे का नाम ज़रूर आया होगा, ठीक है, तो ये इतना हमारे दिमाग पर हावी है, तो हम विकल्पों की संभावनाओं को खत्म करते हैं जब हम, मैं देखिए इसको आप मिसइंटरप्रेट ऐसे नहीं करिए कि मैं कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क गलत हैं या वो बुरे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ते हैं और उसको हम ओवर एक्सटेंसिवली पढ़ के अपना सोशलाइजेशन उस रीडिंग में कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी कैटेगरीज हैं, और उन बनी बनाई कैटेगरीज में जब हम फील्ड को खांचों में डालते हैं तो बहुत सारा डेटा इधर उधर गिर जाता है, और वही डेटा उस खांचे में डलता है जो उससे मैच करता है। तो जो बचा हुआ डेटा है ना, वो एक्चुअली हमारे रिसर्च का स्पेस है, वहाँ हमें जाके इंटरवीन करना पड़ेगा, तब हम कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे या हम एक विशेष तरीके का ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दे पाएंगे। ओके, नाउ आई विल से दैट देन द आर्ग्यूमेंट फॉर डेवलपिंग थ्रेट्स कई बार दिया जाता है, जब मैं कभी ये बात करता हूँ कि भाई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस तरीके से चैलेंज भी है, हमें ऐसे भी देखना चाहिए, तो लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई इसको हम एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, हम पहले से जानते हैं तो हम कम से कम वो काम नहीं करेंगे जो पहले से हो चुका है। लेकिन मेरा उनके लिए ये रहता है कि जब हम ऑलरेडी एक रिसर्च में सोशलाइज हो गए हैं तो वैसे भी हम कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं, तो वैसे भी हम कुछ कंट्रीब्यूट उस तरह से लार्जर लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं जब हम डिस्कोर्स को ऑलरेडी बहुत इम्बाइब हो जाते हैं। और इस बात को भी जब लोग नहीं मानते तो मुझे ये भी एग्जांपल देना पड़ता है कि आप 1 साल के लिए केवल पेसिमिस्टिक लिटरेचर पढ़िए जिसमें टोटल नेगेटिविटी है, उसमें कुछ आशावाद नहीं है, 1 साल के बाद आप मुझसे बात कीजिएगा और आपको समझ में आएगा कि एक विशेष तरीके के लिटरेचर से जब हम इंगेज होते हैं तो हमारे ब्रेन का भी सोशलाइजेशन होता है, और वो ब्रेन सोशलाइज होकर जब फील्ड में जाता है तो वो उसी के साथ लिंक करता है। और आई थिंक सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम सब पढ़ते हैं एजुकेशन में, और भी हम जानते हैं कि हमारा कॉग्निशन किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट करता है। सो ये जो डुप्लीकेसी वाला मामला, ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि डुप्लीकेसी होगी, अभी भी डुप्लीकेसी हो रही है, अभी भी हम कुछ उस तरह से नया कॉन्टेक्चुअल डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए अनलेस वी गिव इट अ वेरी वेरी गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड। और ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का हावी होना है रिसर्च में, इतना हावी होना है, आप मानिए कि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं और अगर आपने बुर्दियो नहीं पढ़ा, या आपने आजकल ट्रेंड में है, बहुत फैशन में है, लोग नाम लेते हैं, आपने बुर्दियो नहीं पढ़ा, आपने जीरो नहीं पढ़ा, और अगर आपने माइकल एपल नहीं पढ़ा, तो आपको कुछ आता ही नहीं है, चाहे बेशक आपका आइडिया इससे बहुत ज़्यादा व्यापक हो, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो, लेकिन आपको इनका 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 रेफरेंस देना पड़ेगा, आपको आपकी बात का वैल्यू तभी बन पाएगा।
लेकिन मेरी विडंबना ये है कि जीरू को मैंने भी पढ़ा, दर्खाइन को भी, जैसे बुर्दियो को भी पढ़ा, माइकल एपल को भी पढ़ा, और वो इस बात को बार बार रिट्रिएट करते हैं कि हमें रिसर्च में और सोशल लाइफ में चीज़ों को या नॉलेज को बार बार पुनरुत्पादित नहीं करना है, हमें उसमें कंस्ट्रक्ट करना है ताकि हम एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉयटिंग एकेडमिक सोशल स्पेस को चैलेंज दे पाए, हमें ये करना होगा। लेकिन हम थियोरेटिकली इस बात को बहुत जान रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी एमफिल पीएचडी का थीसिस उठा के देखिए, अगर आप टाइटल पढ़ के ही ना बता दें कि इसके परिणाम क्या निकले होंगे, तो आप मुझे बताइए। बहुत कम ऐसे रिसर्चेज होंगी जहां हमें लगेगा, अरे यार ये पर्सपेक्टिव मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेजॉरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव में हम ये चीज़ें एड्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका ये मतलब है कि हम जिस तरीके से रिसर्च को कंसेप्चुलाइज करते हैं या हम रिसर्च को आर्टिकुलेट करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में शायद एक दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन अब ये वेस्ट का डोमिनेशन इसलिए क्योंकि हम जापानीज डिस्कोर्स तो नहीं पढ़ते हैं, जापान भी एक डेवलप्ड नेशन है, हमें तो नहीं पता वहाँ किस तरीके के थियोराइजेशंस हो रहे हैं, किस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि आई एम रिलेटिंग इट अगेन टू द वेरी 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 सॉर्ट ऑफ स्लेवरी वी हैव बीन थ्रू, गुलामी जिससे हम गुजरे हैं, उसका प्रभाव अभी तक भी हमारे ऊपर से गया नहीं है। और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कोई अकेले हम नहीं है, भारत में बहुत ऐसे बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जिन्होंने इस पूरी पूरे प्रपंच को समझा और इस पूरे प्रपंच को नया आवरण पहना के वाहवाइयाँ भी लूटी और इसको बार बार रिट्रिएट करके सोसाइटी को दिया। तो ठीक है, सबका अपना डिस्कोर्स है बात करने का, लेकिन भारत में जब हम एजुकेशनल डिस्कोर्स को जनरेट करने की बात करते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी, जिसमें हम एक विशेष तरीके का जो रेमिनिसेंस है, जो बचा हुआ डिस्कोर्स है, जिसपे हम शायद हमें लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है, उसको एक बार दोबारा से रिविजिट करेंगे तो शायद हम एक अलग तरह की बातचीत कर पाएंगे। अदरवाइज वी विल नॉट बी वर्किंग एनीथिंग एल्स जस्ट लाइक एन एजेंट ऑफ द वेस्ट, जो हमें बार बार चीज़ों को रिट्रिएट करने के लिए बाधित करेगा। अब ये जो सवाल मैंने अभी उठाया, ये एक और सवाल को जन्म देते हैं, वो रिकॉग्निशन का सवाल है कि किसके आइडिया को रिकॉग्निशन मिलेगा। जब आप अगर इतने धुरंधर रूप से और आप एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पे काम करना चाहेंगे, तो ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए या किसी के लिए भी, तो रिकॉग्निशन का बहुत बड़ा मसला आएगा। आप जानते हैं कि अगर आप किसी एक बहुत बड़े जर्नल में अपना आर्टिकल भी भेजते हैं, तो वो क्यों सेलेक्ट करते हैं और क्यों सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसकी भी एक हिस्ट्री है और इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी किया जा सकता है कि वाई सर्टन काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर गिवन एंड वाई सर्टन काइंड ऑफ लैंग्वेज। व्हेन आई डिड सर्टन थिंग्स लाइक दैट, पीपल आस्क मी टू चेंज वर्ड्स विच आई वॉज यूजिंग बिकॉज दे सेड इट डज नॉट हैव थियोरेटिकल बैक विद दिस वर्ड। सो आप वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत चैलेंज है। तो एक रिकॉग्निशन का मसला आपके सामने आएगा, और जब रिकॉग्निशन का मसला आता है, तो आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जहाँ पे नॉलेज हेजमनी है, जहाँ पे आपके विचार से ज़्यादा मूल्य इस बात का है कि किस चीज़ को आप एक एक गिवन फ्रेमवर्क के थ्रू वैलिडेट करा सकते हैं, या उसको आप उसके उस उसके साथ आप उसका रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसलिए देखिए, हमारे साथ ये बहुत होता है भारतीय संदर्भों में कि हमने कुछ कैटेगरी साइकोलॉजी में भी बना ली, बच्चा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, डेलिक्वेंट है या स्लो लर्नर है, हम ये सब कैटेगरी बना लिए हैं हा? और इन कैटेगरीज को बनाने के बाद हम इन्हीं पर रिसर्च करते हैं और अल्टीमेटली हम तय कर देते हैं एक टेस्ट करने के बाद कि ये बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट है। सो आई फील लिटिल डिस्कम्फर्ट एंड वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल विद ऑल दिस काइंड ऑफ रिसर्चेज, एंड बिकॉज हम नेचर के साथ जस्टिस नहीं कर पाए सोशल साइंस की, इस वजह से इस तरीके की त्रुटियां हमारे इस काम में आना बहुत ही स्वाभाविक सा। सो व्हाट माय आइडिया इज दैट वेस्टर्न थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स आर नॉट सुटेबल टू आर कॉन्टेक्स्ट एज दे आर नीड बेस्ड एंड डेवलप्ड बेस्ड ऑन द वर्क डन इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। ये हमें समझना पड़ेगा। आई एम नॉट रिजेक्टिंग देयर इंपॉर्टेंस कि वो खराब हैं या उनका महत्व नहीं है, आई एम नॉट डूइंग दैट, बट स्ट्रांगली क्वेश्चन देयर नीड इन आर कॉन्टेक्स्ट। हेंस देयर इज अ ग्रेट नीड टू मूव बियॉन्ड एंड विदाउट दीज फ्रेमवर्क्स फॉर अ सब्सटेंशिएट टाइम, एक लंबे समय के लिए हमें करना पड़ेगा टू जनरेट कॉन्टेक्चुअल थियराइजेशंस रिक्वायर्ड इन आर कॉन्टेक्स्ट। सो ये जो मैंने अभी सारी बात आपसे करने की कोशिश की, कुछ रह भी गई, कुछ जल्दबाजी में हुई, मैंने ये समझाने की कोशिश की कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपको किस तरीके की बाध्यताएं दे सकता है। दूसरा जो मसला मैं यहाँ पे साझा करूंगा वो साइंटिफिक मेथड का है कि हमने किसी ना किसी तौर पर ये मान लिया है अपने रिसर्च करते दफे कि साइंटिफिक मेथड इज दी
बेस्ट मेथड। और अगर हमने ये मान लिया है तो फिर आप भूल जाइए, हम कभी भी सोशल साइंस रिसर्चर्स के साथ को जस्टिस नहीं कर सकते जिस जस्टिस की वो नीड है या उसको डिमांड है। फिर हम हमेशा ही कुछ अंकों में या कुछ जर्नलाइजेशंस में हम अपने रिसर्चेस को बार बार उनको दोहराते रहेंगे और हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और यदि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हर एक सोशल साइंस रिसर्चर को सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि सोशल साइंस की अपनी ज्ञान मीमांसी आधार क्या है और उन ज्ञान मीमांसी आधारों से किस तरह के सवाल उदित होते हैं और उन मीमांसीय सवालों को एड्रेस करने के लिए किस तरीके की पद्धतियों पे हमें काम करना चाहिए। सोशल साइंस रिसर्च में बहुत ज़्यादा मेथड भी नहीं है और कुछ मेथड जो हैं उन पे हम बहुत सिरे से काम भी नहीं करते हैं। ग्रेजुअली हुआ ये कि हमने स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होने वाले मेथड को भी हमने सोशल साइंस के मेथड कह दिया, लेकिन वो उस तरीके से उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो एक बहुत ज़रूरत है इस बात की हम केवल रिसर्च ही ना करते रहें, रिसर्च की पद्धतियों पर भी रिसर्च करें। You know, we need to do research over research so that we can contribute new methods. Those are related to the very nature of social science and will be able to contribute to this very idea. You know, so that's what we need to. I'm trying to say here. I'm also trying to say here in terms of making social science science. There is no need to make social science whatever possible science. है ना, हम कुछ भी करके possible science बना दे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। It is not required to make social science as whatever possible. Whatever possible science, that's not required. So what I'm arguing here in terms of nature, as I've already said, that the entire process generate a severe epistemological impasse in the formulation or in the foundation of the research, and as a resultant it failed to address the issues in social science. जब हम nature और field की nature के बीच में नहीं match कर पाते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त epistemological impasse, हिंदी में बोलेंगे ज्ञान मीमांसा से गतिरोध उत्पन्न होता है और वो गतिरोध बिल्कुल भी हमारी समस्याओं को एड्रेस करने में चैलेंज हमारे सामने देता है। एज आई सेड, ग्राउंडेड थ्योरी इस पे काम कर सकती है और एथनोग्राफी इस पे काम कर सकती है, लेकिन इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में हम ये पढ़ाते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, लेकिन पता नहीं है भारत में, मेरा शायद अनुभव बहुत कम होगा, हम नहीं करते ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि हम स्कूल के टीचर को बुलाएं और चार बार उनसे बच्चों को रूबरू करवाएं और ये कहें कि आप देखें कि फील्ड एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट थिंग, वहां पे बच्चे जाते हैं, पढ़ाते हैं, आते हैं, लेकिन जो थियराइजेशन डील करने का स्कूल टीचर हमें समझाता है कि वो 15 साल से 20 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, तो मुझे समझ में आया कि बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं, मुझे समझ में आया कि बच्चे ऐसे सीखते, कहाँ है वो थियराइजेशन? दैट थियराइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड इफ इट एग्जिस्ट आर वी एबल एंड कुड वी मैनेज टू मेक दैट थियराइजेशन अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ आर डिस्कोर्सेस? सो वो भी हम नहीं कर पाए क्योंकि हम अभी भी अडेप्टेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है और हम बार बार वैलिडेट। तो एक्शन रिसर्चेस के थ्रू निकलने वाली चीज़ें और फील्ड से निकलने वाली चीज़ें जब, और हम टीचर एजुकेटर बना रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बच्चों से कैसे डील करना है और टीचर के अनुभव को हम उसमें कहीं ना कहीं छूता छोड़ देते हैं। और अगर कहीं पर इंडिया में ऐसा होता है तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है मेरे लिए और मैं तो ज़रूर उस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि जब हम थियराइजेशन करते हैं टीचर के अनुभव से, 25 साल का अनुभव एक टीचर को और वो ऐसे रिटायर हो जाता है, हमें पता ही नहीं चल रहा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इन लिंकेजेस के बगैर हम किस तरीके से रिसर्चेस को सोशल साइंसेज और एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, मुझे थोड़ा सा इसमें बहुत घबराहट होती है। इसमें एक ये भी दिक्कत है जब हम सोशल साइंस रिसर्चेस को पढ़ते हैं कि एक विशेष तरीके के रिसर्च को ही हम वैल्यू दे रहे हैं। हमें जैसे मान लीजिए आप प्रपोजल बनाते हैं, तो प्रपोजल में आप सबको पता है पांच चीज़ें आपको लिखनी है, आपको इंट्रोडक्शन डालना है, फिर आपको रैशनल बताना है, आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं, मेथोडोलॉजी बतानी है। क्या इसके अलहदा भी कोई वे है रिसर्च प्रपोजल लिखने का जिसको हम ऑल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग प्रपोजल कह सकते हैं? शायद नहीं है, और अगर होगा भी तो आपकी DRC, आपकी BRS और आपके जो लोग उसको वैलिडेट करते हैं उसको बहुत चैलेंज मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि प्रपोजल बनाने की प्रक्रिया को भी हमने इतना स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज कर दिया है कि उसी में हम कुछ ढूंढ लें विकल्प, वो तो एक अलग बात है, उसी में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अंदर अंदर जो दिखा ले, लेकिन उससे बाहर निकलकर यदि मैं प्रपोजल को एक अलग तरह से प्रस्तुत करना चाहता हूं तो शायद मुझे उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जो एग्जांपल है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मेरी बेटी है लावण्या, 8th क्लास में पढ़ती है, उसको टीचर ने कहा कि आप कुछ भी अपने मन से लिख के लाइए। तो माय मदर इज लाइक शी इज क्वाइट एज एंड शी यूजुअली नरेट स्टोरी टू माय चिल्ड्रन, तो एक टपका नाम की स्टोरी मेरी मम्मी सुनाती है, हमें भी सुनाती है और मेरी बेटी को भी सुनाई, उसने वो स्टोरी नरेट लिखी। मेरी मम्मी इज हरियाणवी, सो शी स्पीक्स हरियाणवी लोकल डायलेक्ट एंड माय डॉटर राइट दैट स्टोरी इन इंग्लिश। Then teacher said that, and I'm very sad to that, and teachers have this very notion of, not the school teacher, but the other teacher said that, but there is a specific way of writing a story.
इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो अब मैं ये समझना चाह रहा था उस पूरी प्रक्रिया में कि स्टोरी को कैसे लिखें, कि आप इंट्रोडक्शन डालें या क्या करें, या स्टोरी एक अपने समझ से निकला हुआ भाव है जो हम दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, या उसमें भी बहुत विकल्प हो सकते हैं। लेकिन ये जो बना बनाया स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने प्रपोजल कहा, ये सब चीज़ें हमें एक विशेष तरीके के खांचों में ढालती हैं और उसके बियॉन्ड ऑल्टरनेटिव सोचने के लिए हमें मदद नहीं करती हैं। और इसी तरह से जब हम एकेडमिक रिसर्च राइटिंग करते हैं तो दुनिया भर का तामझाम हमें समझा दिया जाता है, और मुझे डर लगने लग जाता है, अरे इतनी चीजें देखनी है भाई, मुझे नहीं लिखना है ना। तो एकेडमिक राइटिंग के लिए भी कुछ हम ऐसे लगता है कि हमें आती है एकेडमिक राइटिंग और सामने वाले व्यक्ति को नहीं आती है, तो हम उसके लिए भी एक विशेष तरीके का आडंबर क्रिएट करते हैं। लेकिन एकेडमिक राइटिंग इज फ्री फ्लो ऑफ योर आइडियाज, फ्री फ्लो ऑफ योर थॉट्स। अगर वो थॉट अच्छा नहीं होगा तो कुछ दिन बाद गिर जाएगा, व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट। नहीं, लेकिन जब हम इस काम को करेंगे तो हमें लाभ 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 इतना सारा आयोजन करना पड़ता है कि हम जो कहना चाहते हैं उसका मूल्य ही खत्म हो जाता है। तो एकेडमिक राइटिंग्स हम कैसे लिखें, ये इतना आसान सीधा टास्क नहीं है कि हम इसको केवल कॉम्प्लिकेट करते जाए, रादर ये बहुत फ्री फ्लो तरीके से लिखने का आइडिया है। और इन स्वतंत्र विचारों से ही एक नया समझ विकसित होता है जो एक्चुअली डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूट करता है, वरना एग्जिस्टिंग थियराइजेशन हमारे पास ऑलरेडी बहुत एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में, और अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में भी थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं, तो हमें देखिए ये समझना होगा कि किताबों में जिस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च के 5 अजम्पशंस लिख दिए गए हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च के 5 अजम्पशंस लिख दिए गए हैं, जिंदगी उससे बहुत परे है, और रिसर्च का अपना ज्ञान, अपनी समझ उस पूरे डोमेन से बहुत परे है। तो अगर हम ये कहें कि सोशल साइंस रिसर्च में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हमें करनी है तो हमें इस तरह से करनी होगी, तो मुझे पता नहीं इस तरीके से कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च को जिस तरह से किताबें एक्सप्लेन करती हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। सिमिलरली क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ भी दिक्कत है। तो माय आर्ग्यूमेंट इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड रिसर्च फ्रॉम दीज ओनली स्ट्रक्चरली गिवन मेथोडोलॉजिकल पोजीशंस इन टेक्स्ट बुक्स, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड रिसर्च इज अ लार्जर फ्रेमवर्क। अदरवाइज देखिए, मैं आपको 4 किताबों के नाम बताता हूं, आप उन 4 किताबों को पढ़ लीजिए, फिर आपको कुछ रिसर्च में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल जो चल रहा है, आप एक क्वालिटेटिव रिसर्च की किताब है जिसका नाम है क्रेसवेल, लोग उसी को पढ़ पढ़ के और कहानी सुनाते जाते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है। उस किताब पे क्रिटिकल विजन देना है हमें कि वो किताब जो कह रही है वो कितना जायज कह रही है। अगर वो किताब कह रही है कि 5 तरीके के पैराडाइम्स हैं, तो उसके बाद क्या होने वाला, कोई पैराडाइम फिर से आ जाएगा हमारे ऊपर, फिर हम उसका अध्ययन करते रहेंगे, तो पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, फिर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, देन क्रिटिकल पैराडाइम एंड थिंग्स लाइक दैट। व्हाट इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन as a researcher to generate these whole ideas, we need to revisit very significantly. I'm not saying that these books are incorrect, but I'm saying that we need to revisit these books in the contextual relevance. हाँ, जेरी विलिस आप पढ़ सकते हैं, इसको बहुत लोग आजकल पढ़ रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं, या कॉन एंड मैनन, दिस इज वेरी ओल्ड बुक। आप इन 3 किताबों की कहानी देख लीजिए, आपको बहुत कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा। लेकिन इन किताबों को पढ़ने से आपको ये सतर्क रहना होगा, आपका सोशलाइजेशन इस चीज़ के लिए ना हो जाए कि यदि जेरी वेलिस की किताब ये कहती है कि क्वालिटेटिव से दिस केस स्टडी ऐसे की जाती है, तो वही एक विकल्प नहीं है। देर आर ऑल्टरनेटिव्स एंड वी नीड टू ऑलवेज सर्च दोज ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं करेंगे तो विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। हाँ, दूसरा एक बहुत बड़ा डिबेट सोशल साइंस में ही क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में लोग ये मिसइंटरप्रेट भी करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जनरलाइजेशन करते हैं। नाउ माय वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन टू ऑल दीज इज दिस, कैन वी एवर जर्नलाइज इन सोशल लाइफ whether we are using quantitative research or we are using qualitative research? We cannot generalize because domain of social science is not like to be generalizable. वो नहीं होता है। फिर एक नया टर्म हमने यूज किया, analytical generalization। अरे भाई, अब जब हम analytical generalization की बात करते हैं तो हम फिर generalization वालों को ही आंसर कर रहे होते हैं कि नहीं देखिए, हम इसमें generalization तो नहीं करते हैं, लेकिन हम इसमें analytical generalization जरूर कर सकते हैं। तो आई थिंक द नेचर, और कुछ लोग ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि यदि हम जनरलाइज नहीं करेंगे तो फिर हम पॉलिसीज में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पॉलिसी एनालिसिस भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है यदि हम इसकी गहराई से समझेंगे, और इसलिए पॉलिसी, और ये आडंबरकृत तरीके से समझा दिया जाता है कि पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन जिन रिसर्चिस को बेस बनाकर, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा सैंपल हम ले लेंगे और हम जनरलाइज कर देंगे, जो कंट्रीब्यूट होता है रिसर्च में, इसलिए वो रिसर्च हमें मदद नहीं कर पाती है। दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच आई एम सेइंग। देर आर मेनी मोर आर्ग्यूमेंट्स, वो हम किसी और समय जब पॉलिसी एनालिसिस पे कभी बात करें तो कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम ये कहते हैं कि हम जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं वेरिएबल को, कैन वी कंट्रोल,
अगर मैं ये भी कहूँ कि मुझे देखना है कि एक नया उदित होने वाला पेडागोजी का प्रैक्टिस कैसे प्रभाव डालता है या कैसे संबंध है उसका बच्चों के सीखने से, तो क्या ये काम क्वालिटेटिव नहीं हो सकता है? बहुत अच्छे से, बल्कि ज़्यादा अच्छे से होगा, लेकिन लोग कहेंगे कि ये क्वान्टिटेटिव में होगा, बट आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्वान्टिटेटिव में क्यों होगा, और होगा तो दोनों जगह भी हो सकता है। आई मीन इस तरीके की जो जो शैलोनेस है, इस तरीके की जो ब्लरनेस है, वो इसलिए आती है हमारे सोच विचार में क्योंकि हम गिवन किताबों की परिभाषाओं के आधार पर ही केवल रिसर्च के डोमेन को समझ रहे हैं कि दिस इज द क्वालिटेटिव एंड दिस इज द क्वांटिटेटिव। सो दिस होल आइडिया क्रिएट्स लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है मैंने बहुत ट्राई किया रिसर्च में करने के लिए, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया वेरिएबल। हाँ, ये रिसर्च कहती है कंट्रोल हो जाएगा इसीलिए हम ऐसा मान रहे हैं, लेकिन हमें रिसर्च क्या कहती है से अलग ये देखना है कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक बच्चे क्लास के बाद, क्लास के पहले, आधी छुट्टी से पहले, आधी छुट्टी के बाद, बहुत कुछ डायमेंशंस हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च में भी नहीं हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। सो हमें विकल्प सोचने होंगे कि अगर हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नेचर मैच नहीं कर, तो फिर क्या करना है, तो फिर कैसे करना है। इन सब चीज़ों पर यदि हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली हम वो ढक के तीन पात होते हैं ना कि विशियस सर्कल है, हम यूँ ही घूमते रहेंगे। हम रिसर्च करते रहेंगे, वही रिप्रेजेंटिंग बार बार आते रहेगा, और जो भी कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च का होगा लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट को हमें शायद मदद करने के लिए मदद नहीं कर पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन आर यू डीलिंग विद सोशल साइंसेज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रॉब्लमेटिक थिंग व्हेन वी से दैट बाय यूजिंग एनीथिंग वी कैन जनरलाइज, वी कैन नॉट जनरलाइज, वी शुड नॉट इवन थिंक अबाउट दैट, वेदर वी आर यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, वेदर यूजिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट दैट मेथड कॉल्ड क्वांटिटेटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट वट एक्चुअली लार्जर सोशल इंटरेस्ट इज, हम उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेट क्वालिटेटिव रिसर्च से वी कैन जनरलाइज, बट वी नो वी आर डीलिंग इट विद द सोशल नेचर, वी कैन नॉट जनरलाइज, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई दो केमिकल नहीं मिला रहे हैं कि बाहर का वातावरण हमने कंट्रोल कर लिया और अंदर उन दोनों एलिमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं है जो उसको प्रभावित करेगा। ह्यूमन डजंट डील लाइक दिस। सो मेरी जो अनकंफर्टेबिलिटी है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरी ये इस तरीके की अनकंफर्टेबिलिटी है जो हम बहुत जल्दी इसको दावा कर देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं कहूँगा कि हमें विजडम पर्सपेक्टिव को इवॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि गिवन पर्सपेक्टिव को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी विजडम, वी नीड टू थिंक अबाउट विजडम। और इसीलिए द टर्म डीलिमिट, कैन वी डीलिमिट रिसर्च इज इन सोशल साइंस, हम कहेंगे कि ये रिसर्च केवल दिल्ली के वेस्ट भाग में किया गया, बट वेस्ट भाग भी रिप्रेजेंट नहीं होता। हम कहेंगे ध्यान रखा जाए कि यहाँ किया गया है तो उसके बाहर भी बहुत सारे पहलू जिसको हम कहते हैं कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कंट्रोल, ऑल दीज टर्म्स need to be reconceptualized, not only in qualitative research but in quantitative research as well. Now, let me see, it's already 16:55, so I would like to take some queries. So I'll just quickly, a lot of many things I have prepared, but I won't be able to share everything. देखिए, हम कोई जैसे एक बस एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बता दूं, उसके बाद आई विल वाइंड अप एंड आई विल टेक क्वेश्चंस इफ आई विल बी एबल टू टेक सम, कि जब हम एथनोग्राफी करते हैं या जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं या हम केस स्टडी करते हैं, उसमें भी अगर आप किसी लाइब्रेरी का हिस्सा तो उठा के देखिए, जो भाषा है उनके ऑब्जेक्टिव लिखने की वो कितनी अलग है या कितनी सेम है। मैंने जो रिसर्च किया उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिला। हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तब भी हम यही लिखते हैं कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड या स्टडी विल अंडरस्टैंड। हम जब केस स्टडी करते हैं तो भी हम ये यूज़ करते हैं। क्या ऐसा नहीं होगा कि जब हिस्टोरिकल रिसर्च हम करते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि द स्टडी विल रिकॉन्टेक्चुलाइज इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि हम हिस्ट्री से डेटा लेके चीज़ों को पुनः तरीके से समझ रहे हैं। और जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं तो हम कहेंगे कि दिस आइडिया विल बी एक्सप्लोर्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ये हम अब मुझे नहीं पता, आप मैंने जितनी रिसर्चेज देखी और करी उनमें बहुत कम जगह मुझे ये डिफरेंस समझ में आया। और हमने एक भाषा सीख ली है, उस भाषा को हम हर तरीके के ट्रेडिशन पर यूज़ करते हैं, और जब हम अलग अलग ट्रेडिशंस पर सेम तरीके की भाषा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी will be hindered and that may not be able to contribute. So I'll just say that अगर हमारा आइडिया स्लेव हो जाता है तो हमारी नॉलेज भी गुलाम हो जाती है, और अगर नॉलेज गुलाम हो जाती है तो आपको एजुकेशन सिस्टम भी गुलाम हो जाता है, और जो बहुत कुछ हमें नहीं दे पाएगा। हमें ज़रूरत इस बात की होगी कि हम जो बचा हुआ है जिसको हम वैलिड नहीं करते हैं उस पर भी काम करें, थियराइजेशन करें, लेकिन इस काम को करने में आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपको लॉजिकल वर्सेस इलॉजिकल कहा जा सकता है, आपको सिस्टमैटिक वर्सेस अनसिस्टमैटिक की कैटेगरी में डाला जा सकता है, आपको एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल वैलिड इनवैलिड इन तमाम तरीके की चीज़ें आपको कही जा सकती हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि कुछ ना होने से भी चीज़ें शुरू होती हैं,
है ना, अगर कुछ नहीं है हमारे पास तब भी हम चीज़ों को शुरू करते हैं। और आई थिंक वी दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट टाइम तो बहुत पहले था, लेकिन जब भी हम जाग जाएं तभी सवेरा है, हमें ये काम करना पड़ेगा यदि हम एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रिसर्च मेथड्स रिसर्च के साथ इवॉल्व होता है, क्योंकि फील्ड भी रिसर्च के साथ ही इवॉल्व होती रहती है। इसीलिए कुछ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से हमें परहेज करने की ज़रूरत है, और विकल्पों की संभावनाओं को आप जितना बढ़ा सकेंगे उतना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कॉन्टेक्चुअल रिसर्च करनी होगी और क्षेत्र से सिद्धांतीकरण करना होगा, तभी हम एजुकेशन में एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव लॉट ऑफ मैनी थिंग्स इन माइंड, सो समटाइम you become you know very quick. So let now I'll see if I'll be able to see some queries, but it is like how to see, I don't know. Hopefully I'll be able to see it. My screen is there. The rigid structures and the frameworks of research not only been accepted, rather it is enforced. Yes, of course, this is Sumin. This is definitely very, 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 very enforced. Or maine kuch example liye, I have taken very few examples, but you can take lot many examples where you will file yourself very uncomfortable. You will see that what are we doing? What are we actually contributing to the research? You know, एक काम तो यही हो कि हम रिसर्च की पद्धतियों पर रिसर्च कर लें, और एक काम ये भी हो कि हम जब भी रिसर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का तो एक अलग ही डिबेट है जो कि बहुत ही शेडेड डिबेट मुझे लगता है, लेकिन अब ये भी समझें कि जो नेचर ऑफ डिसिप्लिन है जिसमें हम काम करने वाले हैं और उसमें जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनकी क्या एग्जिस्टेंस है, इस पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। वट आर बेस्ट रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज फील्ड, सी वट आर बेस्ट रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज फील्ड इज अ वेरी वेरी बिकॉज सोशल ह्यूमैनिटीज इज अ लार्जर डोमेन, बट आई कैन शेयर सम रिसर्च इन एजुकेशन, दोज आर वेरी गुड एंड यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन And when you say that researches, I don't know the thesis, you know, but I can talk about Ray Kelly. It is again a Western thinker, but उसने भारतीय संदर्भ में लिखा है, okay? वो he is favoring the very idea of third world nation. Ray Kelly. अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, इस किताब का नाम है development under development, okay? Development under development. किताब का नाम है और मुझे ऐसा याद आ रहा, लेकिन Ray Kelly से अगर आप सर्च करेंगे तो you will be able to find out that book. It's a very interesting book. You can read it. Carl Mehnam अगर आप पढ़ सकते हैं अपनी समझ को रिसर्च में पुख्ता करने के लिए, आप जरूर उसको पढ़िए। Carl Mehnam का आइडिया न्यू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में था कि ओवर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन एजुकेशन हैज रूइंड द होल आइडिया ऑफ एजुकेशन एंड होल आइडिया ऑफ सोशल स्फेयर ऑफ लाइफ, वो उसने रूइन किया है। तो आप Carl Mehnam पढ़ सकते हैं अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं। आप मिल का आइडिया भी पढ़ सकते हैं, है ना, सब्जुकेशन ऑफ मिल, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, हालांकि वेस्टर्न है, लेकिन अगर आप उसको रैशनल तरीके से पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये जो सारी बातें मैंने आज कही हैं ये बहुत उससे इंटरेस्टिंगली रिलेट हो रहा है। सो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन सो यू कैन जस्ट पोस्ट इट। थैंक यू मार्केन दीक्षित, थैंक यू दीपमाला, एंड आई वुड लाइक, आई विल बी हैप्पी इफ समवन ऑफ यू कैन कोलेबरेट एंड वी कैन डू अ ग्रैंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च वेयर वी आर नॉट बाउंड टू जनरेट अ थियोरेटिकल लिंकेज, इज रादर वी जनरेट अ थियरी फ्रॉम द फील्ड। हाँ, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई लॉट ऑफ आइडियाज फ्रॉम द फील्ड एंड वी कैन जनरेट। सो आई थिंक थैंक यू सुमिन प्रकाश, आई थिंक नाउ पीपल आर जस्ट कमेंटिंग, देर इज़ नो क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, आई एम सेइंग सुमन सोमूजी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड शेयर माई आइडियाज। होल्ड योर सेल्फ एंड कीप रिसर्चिंग क्वालिटेटिव रिसर्च इन द कॉन्टेक्चुअल डिस्कोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड एंड विच विल गिव अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द होल डिस्कोर्स ऑफ एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।